आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं ब्रेड से बनने वाला तुरंत झटपट पिज़्ज़ा। घर पर आराम से हम बना सकते हैं, जब भी हमारा मन किया पिज़्ज़ा खाने का तो हम ब्रेड से भी तुरंत पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करें ब्रेड से बनने वाला पिज़्ज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई आपकी फन फूड एंड जायका। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करें। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने लिया हुआ है शिमला मिर्च, ये एक छोटा शिमला मिर्च है, ये हमने काट के इस तरह से बारीक बारीक ले लिया है, और स्वीट कॉर्न, चीज़ है, और पिज़्ज़ा सॉस, और ये ब्रेड। ब्रेड का हमने ये किनारा साइड साइड से निकाल लिया है, तो इसी से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले ये हमने ऑर्गेनो लिया हुआ है, इसमें सब मिक्स हर्ब है, तो इसको हम ये मक्खन मेल्ट किए हुए हैं तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून की मात्रा। इसमें डाल के पहले इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम ब्रेड पे सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस हम लेके ब्रेड पे सबसे पहले ऐसे, ये हम पिज़्ज़ा सॉस इस पर पहले ऐसे लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ये हमने अपने घर पे बनाया है, तो इसकी वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर पहले लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस, उसके बाद हम इस पर डाल देंगे चीज़। ये चीज़ हम मोज़रेला चीज़ है, इसको इसके ले लिए, तो ये डाल देंगे। उसके बाद इस पर हम डालेंगे शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट के हिसाब से चाहिए। और स्वीट कॉर्न इस पर हम लगा देंगे ऐसे स्वीट कॉर्न, और उसके बाद ऊपर से चीज़ हम थोड़ा सा और डाल देंगे इस तरीके से। और पैन हम पहले नहीं गरम करेंगे, हम पहले दोनों ब्रेड बना लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद पैन गरम करेंगे, ताकि जो ब्रेड है हमारा वो नीचे से जले ना। इसके लिए इसके बाद हम पैन पे ब्रश की मदद से हल्का सा इस पर लेयर लगा लेंगे नीचे पहले इस तरीके से। इस तरह से लेयर हम लगा लेंगे पहले, और इस पर हम एक एक करके जो हमने पिज़्ज़ा के लिए ब्रेड बनाया है ये रख देंगे इस पर। तो इस तरीके से हम रख के और इसको लीड लगा करके हम अच्छे से सेक लेंगे। हम इसको खोल के एक बार चेक कर लेंगे ये हो गया कि नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया ब्रेड से बनने वाला पिज़्ज़ा हम घर पे इस तरह से बना सकते हैं, और इसमें चीज़ भी पूरा मेल्ट हो गया है एकदम अच्छी तरह से, और एकदम बढ़िया ये करारा भी है। तो इस तरीके से हम ब्रेड से पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से कितना बढ़िया पिज़्ज़ा हम घर पे बना सकते हैं, और इसमें पूरा चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कर लें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।